दशरथ से कहा, महाराज मैं चली जाऊं, मैं पतिव्रता हूं। दशरथ बोले तुम ही चली जाओ, नाग तो अयोध्या की ले जाएगी। तो महत रानी जनक के दरबार में पहुंची, इतनी खुशी हो गई इनाम की वजह से कि जनक के दरबार में जाकर नचन लगी। और जब नाची, इतनी जोर के नाची, जनक ने पूछा कौन हो तुम, एकदम से बोली हम हैं रानी 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 रानी। जनक बोले तुम कौन सी रानी हो, कहां से आई हो? बोले अयोध्या से आई हूं। जनक को शंका हो गई कौन सी रानी हो, राज रानी हो या पट रानी हो या महारानी हो। एकदम से महत रानी बोली, महाराज ना हम राज रानी हैं, ना पट रानी हैं, ना महारानी हैं, हम महत रानी हैं। हैं? बोले महाराज, बोले हम महत रानी हैं। जनक जी बोले ठीक है, अब तो ऐलान हो गया। बोले महत रानी बहुत बड़ी पतिव्रता अयोध्या से आई, सारी अयोध्या की देवियां देखने को आई। कच्चा घड़ा दिया गया, कच्चा धागा दिया गया, लेकिन महत रानी ने कच्चे धागे में कच्चा घड़ा बांधा, पति के चरणों में ध्यान लगाया। पति परमेश्वर, अगर मैंने आपके अलावा पराए पति को बुरी दृष्टि से ना देखा हो, ना तो ये धागा टूटे ना ये घड़ा फूटे। अगर ये धागा टूट गया तो आज से देवियां अपने पति को मानना बंद कर देंगी, पति की सेवा करना बंद कर देंगी। महाराज जैसे ही उसने घड़ा डाला, ना तो धागा टूटा ना ही घड़ा फूटा, उस कुआ से पानी आ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, धन्य है हमारी माताओं, धन्य है हमारी देवियां। आज मैया ने कच्चे धागा से कच्चे घड़े को खींच लिया। बाग में जब पानी का छिड़काव कराया गया तो वृक्ष हरे भरे हो गए। महाराज ने इनाम दिया, जनक ने पत्र इसलिए नहीं भेजा। जब हमने पहले पत्र भेजा तो महाराज ने मेहतरानी पठाई दी। अब कहता है क्यों पत्र भेजे, तो मेहतर ना चलो आए, ना धनुष को तोड़े और सीता को ब्याह ले जाए, ये शंका थी, इसलिए महाराज ने पत्र नहीं भेजा। अब माफ करना। इधर राम जी को खबर मिली, क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। राम जी को खबर मिली सीता का स्वयंवर है, तो सीता के स्वयंवर को देखने के लिए भगवान श्री राम पाते की खबर स्वयंवर की। और श्री जनक राज के धाम चले, आगे बढ़े। लेकिन हुआ क्या, द्वादशी को गुरु के शक में श्री राम चले।
तब कुछ और देखो क्या देखा भगवान ने। भगवान ने क्या देखा, पत्थर की पाई नारी ने। देखा उस पत्थर की स्त्री झाड़ी में पड़ी। राम जी बोले, गुरु जी झुका देख रहे हैं पत्थर की स्त्री, ये कहां से आई, इसका मतलब क्या है। तो गुरु जी ने कहा, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। गुरुजी पत्थर कैसे बन गई, बोले बेटा अहिल्या देखने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इंद्र अहिल्या को देख के मोहित हो गया। सोचने लगा अब छल कैसे किया जाए, तो इंद्र चंद्रमा के पास में जाकर के पहुंचा और चंद्रमा से हाथ पकड़ करके इंद्र ने समझाए के एक बात कही, चंद्रमा तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। इंद्र चंद्रमा का हाथ पकड़ के बोला, तुम मुर्गा बन जाओ और मैं बाबा बन जाएंगे। बोले तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गो चंद्रमा, तुम रात समय आना, तुम रात समय आना, आवाज लगा देना, मैं घर में घुस जाऊंगा तुम द्वार पे। चंद्रमा तुम मुर्गा बन जाओ और मैं साधु बन जाएंगे। गौतम ऋषि की पत्नी के साथ छल कर लेंगे। चंद्रमा मुर्गा बन गया और इंद्र जो है वो साधु बन गया। महाराज गौतम ऋषि की बगिया में 3 बजे ही चंद्रमा बोल पड़ा। तो गौतम ऋषि समझने लगे, आज बड़ी जल्दी सवेरे हो गए, समझ में ना आई, वो तो चले गए गंगा स्नान करने। इधर इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया है। बेटा राम, गौतम ऋषि ने आकर के अहिल्या को पत्थर बना दिया, अगर तुम्हारे चरणों की धूल इन पर पड़ जाए तो इनका उद्धार करो। भगवान श्री राम ने गुरु जी के कहने पर अहिल्या का उद्धार किया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम आगे बढ़े। आगे
कहां चले सभी लोग तालियां बजा के चले रघुराई चले रघुराई पहुंचे वो कुआर